जय गंगाजय भारत फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे, बेटर होंगे। मैं करण एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अभ्यास विद करण में। सभी हम लोग बात करेंगे फर्स्ट स्टेप ट्रेनिंग के बारे में कि क्या होती क्या है फर्स्ट स्टेप ट्रेनिंग, असल में क्या है क्या फर्स्ट स्टेप। साथियों, किसी भी काम को करने के दो नियम होते हैं, पहला है प्रोफेशनल वे और दूसरा है नॉन प्रोफेशनल वे। यानी प्रोफेशनल वे का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे काम बताया गया, जैसे जैसे बात बताई गई, जैसे जैसे काम होना चाहिए उन्हीं नियम से काम होने को कहते हैं प्रोफेशनल वे। और नॉन प्रोफेशनल वे क्या होता है कि आप अपने नियम बना लें, कि उसमें आप अपने तरीके से गेम को खेल लें। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, माय डियर फ्रेंड्स, क्रिकेट के बारे में आप सारे लोग जानते हैं। क्रिकेट से रिलेटेड एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। क्रिकेट को खेलने के भी दो तरीके हैं, एक तरीका हुआ प्रोफेशनल वे और एक तरीका हुआ नॉन प्रोफेशनल वे। यानी कि मैंने गली मोहल्ले में जो क्रिकेट खेला, बहुत ज्यादा क्रिकेट खेला गली मोहल्ले में, जो क्रिकेट खेला वो कैसे खेला मैं आपको बताता हूं। हम 7 या 8 लड़के जमा हो गए, 4-4 की टीम बना ली, 4 एक तरफ 4 एक तरफ, एक साइड का रन रखा, कभी लेग का रखा, कभी ऑफ का रखा, पैर पे अगर 3 बार बॉल लगेगी तो LPW आउट, ईंटे लगा के विकेट बना ली या फिर लाइने खींच के वो कर लिए, बॉल किरमिच की बॉल चली, इसके अलावा किसी के घर में अगर बॉल गई तो वो खिलाड़ी आउट हो जाएगा। कई बार 6 रखते थे, कई बार 6 नहीं रखते थे, एम्पायर जो टीम बैटिंग कर रही थी वही था, पीछे के रन नहीं होते थे, यानी बैक में बैक की फील्डिंग जो टीम बैटिंग कर रही है वो करेगी, 1 टिप 1 हेड आउट होता था, आखिरी प्लेयर 2 रन दौड़ के लेगा, ओवर होते थे 5-5 ओवर 7-7 ओवर, ऐसे क्रिकेट कुछ हद तक मैंने क्रिकेट ऐसे खेला है। हम गली मोहल्ले में क्रिकेट ऐसे खेलते आए, क्या आपने भी ऐसे क्रिकेट खेला है तो मुझे कॉमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपने भी इसी तरह से क्रिकेट खेला है तो। ठीक है, अब ये कौन सा तरीका हुआ? ये तरीका हुआ नॉन प्रोफेशनल वे, जिसमें कि आपने हालात देखा, मौका देखा, उसके हिसाब से नियम बना लिए। अगर लड़के 12 थे तो हम 6-6 आपस में बांट लिए, और कई बार अगर 9 होते थे, यानी 4-4 तो बांटे, एक जो बचा वो बीच का बिच्छू, वो दोनों तरफ से बैटिंग करेगा। तो ये क्या हुआ, ये जैसा हालात था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्रिकेट खेला, पर इसको बोला जाता है नॉन प्रोफेशनल वे। अब बात करते हैं प्रोफेशनल वे। प्रोफेशनल वे कौन सा वे हुआ, जिसको खेलते हैं विराट कोहली साहब। आप मुझे बताइए, क्या किसी मैच में ऐसा हो सकता है कि विराट कोहली जी ये बोले कि आज के इस मैच में मैं बैटिंग करने तभी जाऊंगा, आज जितनी मर्जी बार बॉल मेरे पैर पे लगे मैं आउट नहीं मानूंगा। क्या ऐसा हो सकता है कभी? आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे कितना भी जरूरी मैच क्यों ना हो, चाहे भारत पाकिस्तान का फाइनल मैच क्यों ना हो, अगर पहली बॉल विराट कोहली जी ने फेस की और बॉल विकेट में जा रही थी और विराट जी का पैर बीच में आया और एम्पायर ने अगर उन्हें आउट दिया, विराट को क्रीज छोड़नी पड़ेगी, यानी कि वो आउट होता या नहीं होता है? यानी कि वो अपने नियम वहां नहीं बना सकता। वो कौन से नियम को फॉलो कर रहे हैं विराट? तो विराट कोहली जिस नियम को फॉलो करते हैं वो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग ने जो नियम बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंग बॉल का एक वजन है, अपनी मर्जी से बॉल नहीं चल सकती, जो क्रीज है उसका एक साइज है, आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा कि छोटी क्रीज, कैसी भी क्रीज, 11 कदम की नहीं, जो क्रीज का एक साइज है वही क्रीज होगी। जो ग्राउंड है उसका भी एक साइज है कि इतना बड़ा ग्राउंड होना चाहिए, ओवर का एक माप है, अगर बारिश आ गई तो उसका एक नियम है कि इसके अनुसार अब ओवर इतने होंगे और ये टारगेट मिलेगा, ये टास्क मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड, विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग ने जो नियम फॉलो करे हैं उनको फॉलो करता है। अब मैं आपको दोनों में और मेजर फर्क बताता हूं। जो क्रिकेट मैंने खेला, यानी नॉन प्रोफेशनल वे के अंदर क्रिकेट खेला, उस वाली क्रिकेट से मेरा नाम हुआ, सर नहीं। क्या लोग मुझे जानते हैं? हाँ, वो मोहल्ले वाले कैसे तंग होके जानते हैं हम सबको, कहीं ना कहीं हमने ग्लास तोड़ा होगा, कहीं ना कहीं उनकी खिड़की, कहीं ना कहीं उनको तंग किया होगा, उनकी नींद खराब की होगी, ऐसे जानते हैं, पर वैसे हमारा नाम हुआ नहीं। अच्छा, क्या हमें पैसे मिले? नहीं, यानी कि उस वाले क्रिकेट से कुछ नहीं हुआ, बस एक चीज हुई, इंजॉयमेंट जरूर हुआ। अच्छा, क्या वो मैच हमें आज याद है? उस दिन तक याद रहे, अगर हमने 5 मैच खेले, 5ों मैच जीते तो हमें याद रहा, किसी अगर 5 मैच खेले और उसमें 4 मैच अगर हार गए तो भी किसी ना किसी की गलती निकाल रहे होंगे, उसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया, ये ऐसा नहीं करा, इसने ऐसा नहीं करा, हुआ होगा उस दिन हमने एंजॉय किया बस। क्या आज मैच याद है? आंसर है नो। अब मैं आपसे पूछता हूं फ्रेंड्स, जो मैच प्रोफेशनल वे में खेला विराट कोहली ने, क्या उनका नाम हुआ? आंसर है यस। ऑल ओवर वर्ल्ड, ना कि केवल भारत में, पूरी दुनिया में नाम हुआ। क्या उन्हें पैसा आया? यस, पैसा भी आया उनको। क्या उन्होंने एंजॉय किया? यस,
वो जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब भी इंजॉय कर रहे होते हैं, मैच खेल रहे होते हैं तब भी इंजॉय कर रहे होते हैं। यानी जो हम लोगों ने सिर्फ एक चीज की, ना हमारा नाम हुआ ना हमारे पास पैसे आए, पर प्रोफेशनल वे खेलने के अंदर फ्रेंड्स क्या हुआ, प्रोफेशनल वे खेलने से फ्रेंड्स पैसा भी आया, नाम भी हुआ और इंजॉयमेंट तो रहा, हालांकि इंजॉयमेंट दोनों जगह। तो साथियों ये था क्रिकेट की प्रोफेशनल वे या नॉन प्रोफेशनल वे। अब आप मेरे ख्याल से काफी हद तक समझ गए होंगे, काफी हद तक वहां पहुंच गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, ठीक ऐसे ही है नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक ऐसे ही है। इसको भी करने के दो तरीके हैं, एक प्रोफेशनल वे और एक नॉन प्रोफेशनल वे। प्रोफेशनल वे कौन सा, कि कैसे कैसे बताया गया, जो जो स्टेप बताए गए वो स्टेप होने चाहिए, वो वैसे ही होने चाहिए, वो नियम है पूरे तरीके से। और नॉन प्रोफेशनल वे, कि बताने वाला बता रहा है आप अपने तरीके से करो, बोलने दो उनको कि वो कैसे बोल रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस वाले खेल को नॉन प्रोफेशनल वे से खेला, नॉन प्रोफेशनल वे से किया, उन नियमों को फॉलो नहीं किया जो नियम बताए जा रहे हैं, जैसे सेल्फ यूज, ये सबसे बड़ा नियम है। लॉयल्टी, यस, आप लॉयल्टी करें, क्यों, क्योंकि आपको आपकी टीम में लॉयल्टी करवानी है, क्योंकि आपके साथ जुड़ने वाला हर एक व्यक्ति लॉयल्टी के अंदर रहे, इसलिए आपने लॉयल्टी करनी है। लिस्ट बनाना, मीटिंग्स करवाना, लोगों को लाके मिलवाना, ड्रीम कॉर्नर बनाना, डेमो किट बनानी, ये सारे के सारे नियम है फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे एकदम। इस फर्स्ट स्टेप ट्रेनिंग का पूरी सीरीज अभी चल रही है, आपको धीरे धीरे करके इसके सारे नियम मिलेंगे, और अगर आपने इन्हें फॉलो करा तब तो आप पैसा कमाने वाले हैं। पर अगर आपने नॉन प्रोफेशनल वे से खेला, तो माय डियर फ्रेंड, क्रिकेट में तो फिर भी थोड़े समय के लिए एंजॉयमेंट हुआ था, क्रिकेट में तो हुआ था, यहां बिल्कुल नहीं होने वाला है। नाम भूल ही जाइए, इस इंडस्ट्री के अंदर आपका नाम होगा, पैसा आएगा ही नहीं, और एंजॉयमेंट साहब, एंजॉयमेंट छोड़िए, आप ना, आपने अगर 3 महीने 6 महीने दिए हैं ना इस इंडस्ट्री को, आप वो 6 महीने याद नहीं करना चाहेंगे। आपको याद भी आएगा तो गुस्से में आएगा। मुझे गुस्सा इस बात पर नहीं आता कि आप इस इंडस्ट्री को जब याद कर रहे हैं तो गुस्से में कर रहे हैं, पर मुझे गुस्सा इस बात पर जरूर आता है कि आपने इसको प्रोफेशनल वे से नहीं खेला और आप सारा का सारा ठीक रहा इस इंडस्ट्री पे फोड़ रहे हैं, सारा ठीक रहा इस इंडस्ट्री पे फोड़ रहे हैं, अप्लायंस पे फोड़ रहे हैं। क्या एक बार आपने चेक करा कि इसको प्रोफेशनल वे से खेला आपने या नहीं खेला? तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इसके अंदर पैसा चाहते हैं, नाम चाहते हैं, इज्जत शोहरत, आप एंजॉयमेंट चाहते हैं, अपने ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला नियम कि इस खेल को प्रोफेशनल वे से खेलना। और अभी की जो ये ट्रेनिंग्स है, इसके जितने नियम हैं, 8 नियम इन सबको कंप्लीट तरीके से फॉलो करना, जिसमें 2 वीडियो मैं बना चुका हूं, सेल्फ यूज और लॉयल्टी, अभी धीरे धीरे आगे आने वाली है। आपने इन सबको सारे नियम को खुद भी फॉलो करना है, टीम में भी फॉलो कराना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी ही फर्स्ट स्टेप ट्रेनिंग की अगली वीडियो में आपके साथ। इस वीडियो को अपने टीम के सारे लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वो इस खेल को नॉन प्रोफेशनल वे से ना खेलें, प्रोफेशनल वे से करें, कि जो नेटवर्क मार्केटिंग पिछले 80 सालों से चलती आ रही है, ये जो कहती है उस नियम को हम फॉलो करें, इस नियम में जो चीज बोली गई है उस चीज को फॉलो करें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पैसा नहीं कमाएं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी ही और नई एक वीडियो के साथ, जिसमें और काफी सारे कुछ नॉलेज आपके लिए लेके आते हुए। तब तक मैं लगता हूं अपने काम पे, यानी कि अगली वीडियो बनाने के लिए, और आप लगिए अपने काम पे। कौन सा काम? इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जहां तक की नीड है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। जय गैलवे, जय भारत।